हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड यूनिवर्स। और देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं टेंशन, स्ट्रेस की बात करता है, फियर, इनसिक्योरिटीज की बात करता है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी, अगेन, फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे आपकी ही क्रिएशन है। और देखिए स्कॉर्पियोज, ये होता तब है जब कोई भी मसला, कोई भी इशू हमारी लाइफ में हो और हम वर्स्ट एक आउटकम इमेजिन करते हैं, तब कहीं हम खुद से ही बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी इशू, जो भी मसला है, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है। उसका आउटकम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर बहुत ही बुरा भी हो सकता है। लेकिन हम पॉजिटिव नहीं सोचते, हम अच्छा नहीं सोचते, हम बुरा नहीं सोचते, हम एकदम से एक्सट्रीम नेगेटिव सोचते हैं और फिर हम परेशान होते हैं और फिर हम ही इस टेंशन को भी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जॉब मिलना मेरे लिए बहुत बहुत अहम है और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मुझे जॉब मिल सकती है। एक ये है कि मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सोचती यही हूँ कि अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं, और फिर मैं ये सोचना शुरू कर देती हूँ कि भाई अब जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, अब कैसे होगा। और यू नो, इन्हीं थॉट्स की वजह से मैं एक परेशानी भी अपनी लाइफ में लेकर आती हूँ। यहाँ पे अगर मैं खुद को बोलूँ कि देखिए मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो चांसेस हैं कि मुझे जॉब ना मिले। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे और जगह पे इन द मीन टाइम जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। और क्या चीज़ थी जिसमें मैं अटकी थी या फिर जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, उसको मैं और ज़्यादा पढ़ लूँ, उसको मैं और स्टडी कर लूँ, ताकि मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू अच्छा जाए। तो देखिए, जब मैं ऐसे थॉट्स क्रिएट करती हूँ तो बियॉन्ड द पॉइंट में परेशान नहीं होती हूँ। और इसीलिए नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी इशूज़, जो भी मसले हैं, कहीं आप ही उनको अगेन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और देखिए स्कॉर्पियोज, अगर आप चाहें तो इन फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ, एक पॉजिटिव आउटकम अपने माइंड में इमेजिन करके। एंड देखिए, नीचे यूनिवर्स का कार्ड भी कहीं आपको यही मैसेज दे रहा है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे आप कंप्लीट ट्रस्ट रखें। और देखिए, यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है। एक होता है ना कि हमारी प्लानिंग होती है, एक मास्टर प्लानर यूनिवर्स या फिर जिस गॉड को हम मानते हैं उनकी प्लानिंग होती है, और उनकी प्लानिंग ज़्यादा बेटर होती है। और वो चाहें तो बुरे को अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छे को बुरा भी कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, ट्रस्ट रखें और बहुत एक यू नो वर्स्ट आउटकम अपने माइंड में ना इमेजिन करें। थोड़ा सा अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अगर आप करेंगे तो इस वीक को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए टू ऑफ पेंटिकल्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट के कार्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल, पैसा, मनी पे ज़्यादा फोकस इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा भी होने की बात करता है। और सरफेस लेवल के लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बात करता है, इन एंड आउट, अप एंड डाउन होने की बात करता है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज सबके लिए डिफर कर सकती हैं।
कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं और कहीं थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, और इन्हीं को ही बैलेंस करने में कहीं अगेन एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं और कहीं आप एक ही चॉइस पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, आप टू माइंड्स में हैं, एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं किसी तरीके का बैलेंस आप अपने पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, लेकिन बहुत ही एफिशिएंटली आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि इन द प्रोसेस आप इन्जॉय भी कर रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, लव का कार्ड है। तो देखिए, ओवरऑल ही इस वीक या तो काफ़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं, या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आप उसको बहुत ही कंपैशनेटली डील करें। और देखिए, दूसरों को तो हम लव कर लेते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद को ही इग्नोर करते हैं, तो अपने साथ भी थोड़े से कंपैशनेट रहें, अपने साथ भी थोड़ा सा अफेक्शन रखें। और फिर से मैं कहूँगी कि सेल्फ लव भी इस वीक आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएँ कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।